पत्थर मंडी कबराई निवासी क्रेशर एवं मैगजीन व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा बीते दिनों सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर घूस लेने एवं उनकी हत्या कराए जाने के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल के दूसरे ही दिन चंद्रकांत त्रिपाठी घायल अवस्था में मिले थे, जिनके गले में गोली लगी हुई थी, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया था। घटना को लेकर परिजनों की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद आक्रोशित लोगों ने थाना परिसर का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, जिन्हें आला अधिकारियों ने समझा कर शांत करवाया। तो वहीं ADG जोन प्रयागराज सहित मंडल के आला अधिकारी कबराई में कैंप लगाकर मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इंद्रकांत त्रिपाठी पुत्र श्री किशोरीलाल त्रिपाठी जवाहरनगर कबराई का निवासी हूँ। महोबा पुलिस अधीक्षक श्री मणिलाल पाटीदार एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, जो खुलेआम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ, मेरे क्रेशर के पार्टनर बालकिशोर द्विवेदी और पुरुषोत्तम सोनी दोनों विस्फोटक के लाइसेंस होल्डर, मैगजीन होल्डर व्यक्ति हैं, जिनका मैं प्रशासनिक व कानूनी कार्य देखता हूं। इस संबंध में सूर्या केमिकल्स के सुरेश सोनी, जो प्रतिमा है SP मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रतिमाह देते चले आ रहे हैं, जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं, उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो? मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ।